मैं संजय मिश्रा अमेठी से बिलोंग करता हूँ, जो कि पिछले 15 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ पर स्ट्रीट वेंडर का काम करता हूँ। 15 सालों से स्ट्रीट वेंडर का काम करता हूँ। पहले मैं खजूरी पे कचौड़ी बेचता था और उसके बाद फिर आउटर रिंग रोड पे आया मैं पिछले 12-13 सालों से। समस्या मेरे साथ बहुत जटिल समस्या ऐसी थी कि EMCD द्वारा पुलिस द्वारा आते हैं, हमारा सामान ले जाते हैं, रेड़ी उठा ले जाते हैं, हमें बेदखल कर देते हैं, कानून को मानते नहीं, स्ट्रीट वेंडर एक्ट को मानते नहीं, वो अपनी मनमानी करते हैं। और उसके बाद में मैं उनको अगर कुछ बताता हूँ कि हमारे पास हमारा जैसे नेशनल हॉकर फेडरेशन है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी है, नियम और रेगुलेशन को ये लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद में हम ये मनमानी इतना करते हैं, ये कुछ नहीं मानते हैं। स्ट्रीट वेंडर ना एक्ट को मानते हैं, ना कोई संस्था को मानते हैं, ना नियम को मानते हैं, ना 2019 के दिल्ली के नियम को मानते हैं जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट को बढ़ावा देता है। और उसके बाद में बेदखली करते हैं, मनमानी जुर्माना लगाते हैं, एक एक महीने 15-15 दिन बाद हम लोगों की रेड़ी छोड़े हैं। बहुत बहुत आए दिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फिर हमें सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से अवगत हुआ मैं, और उसके माध्यम से फिर जीविका ऐप, हमारा एक मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से उसके बारे में मैंने पढ़ा, जीविका ऐप के बारे में, जीविका ऐप के बारे में सारे स्टेट वेंडर एक्ट की सारी जानकारी मिली। और उसके जानकारी के तहत फिर जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की टीम है वो हमको काफ़ी इस समस्याओं से छुटकारा दिलाया। जो भारी भरकम जुर्माना हम लोगों पे, हम स्टेट वेंडर एक्ट पे निगम द्वारा लगाया जाता था। मैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया स्ट्रीट वेंडर के बारे में सोचते हुए कि स्ट्रीट वेंडर को बहुत सारी उसमें जानकारियाँ, ढेर सारी जानकारियाँ मिल सके। हमारे जैसे स्ट्रीट वेंडर मजबूती से बिना डरे हुए अपना रोजगार कर सकें, इसके लिए मैं CCS के पूरी टीम को, जीविका ऐप लॉन्चिंग के टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ।